हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रिनो 11 प्रो 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रिनो 11 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में फाइल ऑप्शंस पे जाकर कैसे अपने फाइल्स पे जाकर फ़ोटोज़ वगैरह को हाइड कैसे कर सकते हैं, और कैसे फ़ोटोज़ वगैरह को हाइड कर पाएंगे और फ़ोटोज़ को कैसे हाइड कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोटोज़ वगैरह को हाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको जाना है फाइल्स पे, फाइल्स पे जाकर सिंपली फाइल ऑप्शन से ओपन हो जाएगा, जिस पे जाकर अपने फ़ोन की फाइल्स की फ़ोटोज़ वगैरह को हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। आप इमेज पे जाते हैं, कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से थ्री डॉट पे जाते हैं और मूव टू सेव फोल्डर कर देते हैं, तो फ़ोटोज़ वगैरह जो भी आपके फ़ोन में होगी हाइड हो जाएंगी और छिप जाएंगी, जो आपके फाइल्स पे शो नहीं करेंगी। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ को आप छिपा सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं अपने फाइल ऑप्शंस पे जाकर। और आप देख सकते हैं कि आप वीडियोस भी छिपा सकते हैं, कोई भी वीडियो आप सेलेक्ट करते हैं थ्री डॉट पे जाकर एंड मूव टू सेव फोल्डर करते हैं, तो इस तरीके से अपने फ़ोन में आप वीडियोस को भी हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। एंड आप शो करना चाहते हैं तो सेव फोल्डर पे जाकर आप यहाँ से शो कर सकते हैं। इस तरीके से इस पे जाकर यहाँ से जो भी फ़ोटोज़ हैं आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ शो हो रही है, इसमें किसी भी फ़ोटोज़ को आप डिलीट भी कर सकते हैं या फिर इसको मूव आउट भी करना चाहें तो मूव आउट भी आप कर पाएंगे और फ़ोटोज़ वगैरह को स्क्रीन पे भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।